Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 4 for JavaScript, and in this lecture about first program of the JavaScript and types of JavaScript, comments in JavaScript and difference between script and no script. So let's start. हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिया हुआ है, एक बेसिक बॉयलर प्लेट है HTML की. किसी भी HTML कोड में आप JavaScript कहीं पे भी लगा सकते हो और कितनी भी बार लगा सकते हो. जस्ट यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट टैग एंड दैट्स इट. आप जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिख सकते हो. तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हो. इट मीन्स कि हमने इसको कॉपी किया और हेड वाले पोर्शन में स्क्रिप्ट टैग लगा के जो भी लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको प्रोग्राम में कहीं पे दोबारा या तीसरी बार जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं. बस हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देना है. बाकी HTML का कोड यहाँ होगा, स्क्रिप्ट टैग के बाहर वो HTML का नॉर्मल कोड है. तो बॉडी में और हेड में अगर आप स्क्रिप्ट टैग लगा करके जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि जो हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग लगा होता है वो सबसे पहले लोड होता है और जो बॉडी टैग में लगा होता है वो बाद में लोड होता है. मतलब कि सीक्वेंस वाइज अगर यहाँ पे लगा तो पहले ये आएगा फिर ये लोड होगा. बस इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज आप यूज़ कहीं भी कर सकते हो. तो इसके अलावा जावास्क्रिप्ट को हम एक और तरीके से यूज़ करते हैं. ये तो तरीका होता है कि हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं इनलाइन या फिर इंटरनल, ठीक है. एक तरीका होता है इनलाइन का, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं टैग लगाया और जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया. दूसरा है कि हम हेड पोर्शन में स्क्रिप्ट टैग लगा के उसके अंदर लिख रहे हैं, दिस इज़ इंटरनल JS, जैसे कि CSS थी तीन तरीके से. और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल JS का, वही CSS की तरह हम एक अलग से फाइल बनाएंगे .js लगा करके और सेम टू सेम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा करके src लिखेंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे, दैट्स इट. वो आपकी इस फाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी. तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट. तो पहले हम जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक सा कोड लिखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो इंडिया. आप इसे जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम समझो जिसमें हमने हेलो इंडिया प्रिंट कराया है. एंड ऐसे ही हम H1 लेकर के यहाँ पे हेलो इंडिया प्रिंट कराते हैं. ये जो लाइन है ये HTML कोड है और ये जो लाइन है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है. अब आप इसको रन करके देख सकते हो, आउटपुट में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं. ये देखो, ये HTML से लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट से लिखा है. अब देखो, यही जावास्क्रिप्ट का कोड उठा करके हम चाहें तो हेड पोर्शन में लगा सकते हैं. यहाँ पे रख दिया हमने, सेव किया इसको और अभी आप देखो हेड में लिखा हुआ है, इसलिए पहले लोड हो गया और पहले प्रिंट भी हो गया. बस इतना सा डिफरेंस आना है. बाकी आप इनलाइन कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है. अब जैसे हमने इसके बाद फिर से यहाँ पे HTML का कोड लिखा और यहाँ पे फिर हमको जावास्क्रिप्ट की नीड हुई तो हमने फिर से जावास्क्रिप्ट कोड लिखा, कोड कॉपी किया स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे अपना चेंज कर दिया कोड जो भी करना है, जैसे कि थैंक यू सेम. तो देखिए इस तरीके से यूज़ कर पाते हैं हम जावास्क्रिप्ट को. तो एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका हमने बताया, तीसरा तरीका बेसिकली हमने बताया कि एक फाइल बनाओ. तो हमने एक फाइल बनाई यहाँ पे xyp.js के नाम से .js और अब आपको इसमें अपना कोड लिखना है. तो हमने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैसेज सेम, ठीक है. अब आपको क्या करना है, सेम लोकेशन पे होनी चाहिए फाइल, वही रूल्स फॉलो होंगे जो हमेशा यूज़ होते रहे हैं, सेम लोकेशन पे होगी. बस आपको करना है कि स्क्रिप्ट टैग चाहे तो हेडर पार्ट में लगा लीजिए और चाहे तो यहाँ पे लगा लीजिए. तो आप यहाँ पे लिखे src और इस पे अपनी फाइल का नाम दे दीजिए xyp.js, सेव करिए इसको और यहाँ पे देखिए सिंक आ रहा है. तो यहाँ पे ये हेलो इंडिया प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है और उसके बाद हेलो इंडिया. तो ये हेलो इंडिया ये वाला प्रिंट हो रहा है, ये वाला हेलो इंडिया प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस स्क्रिप्ट टैग को src के लिए यूज़ कर लिया है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ये लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा. फिर देखिए उसको अगर चलाना है तो फिर हमें अलग से फिर से एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लगाना पड़ेगा. यहाँ पर हम अगर इसके बाद लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी लिखा हुआ था, लाइक थैंक यू लिख देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए सिंक के बाद थैंक यू आ गया. तो इस तरीके से हम स्क्रिप्ट टैग लगा करके जावास्क्रिप्ट लिखते हैं. अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ये क्या है. राइट तो एक फंक्शन है, बेसिकली राइट क्या है, एक फंक्शन है जो इस टेक्स्ट को यहाँ से ले करके आउटपुट स्क्रीन तक पहुँचाने का काम कर रहा है.
अब देखो फंक्शन क्या होता है, तो ये भी बहुत आगे का टॉपिक है। फंक्शन बेसिकली एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड है जो अंदर लिखा हुआ है लाइब्रेरी में इसकी जावास्क्रिप्ट की। ब्राउजर को बेसिकली इसकी समझ है कि ये क्या है, तो इसको हम एक फंक्शन कहते हैं। इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो टास्क या वर्किंग है, वो जावास्क्रिप्ट के पास पहले से लिखी हुई है। बस आपने कुछ टेक्स्ट पास कर दिया है, ये क्या करेगा, उठा के इसको आउटपुट में प्रिंट कर देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है कि राइट फंक्शन का काम क्या है। तो हम इसको फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन के बारे में डिटेल में पूरा एक टॉपिक आएगा, तो उसको हम समझेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये फंक्शन पाया जाता है। तो आप समझो कि एक तरह की ग्रुपिंग है, एक मॉडल है, एक पैकेज है, एक फाइल है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, उनमें से एक राइट है। तो हमें डॉक्यूमेंट के साथ राइट को यूज़ करना होता है ये बताने के लिए कि भाई राइट फंक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी और डिटेल में हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम प्रिंट करने के लिए इस लाइन को यूज़ करेंगे हमेशा, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरी बात, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था ऐसा कुछ, एंड लाइक 10 सी इज इक्वल टू प्लस बी। अब वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है, तो यहीं पे टेक्स्ट के साथ प्रिंट करना है, तो कॉमा करके लिख दो, ऐसे आ जाएगा ये देखो 18 आ रहा है। अगर आप अलग अलग लाइन में चाहते तो अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेस दे दिया, अलग लाइन में ले जाना है तो बी आर टैग लगा दिया, देखो यहाँ पे इंडिया के बाद बी आर टैग लगा दो, तो देखो लाइन चेंज कर दिया। इसके अलावा हम ब्लैंक अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिर्फ वेरिएबल लिख दें, तो सिर्फ 18 आ जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब ये हो कि राइट फंक्शन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट लिखना चाहें तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे। मान लो रिजल्ट हमने अलग लिख दिया, रिजल्ट इज, और इसके बाद सेव, यहाँ पे देखो तो रिजल्ट इज अलग लाइन में लिखा है और सी अलग लाइन में लिखा है। तो हम अलग अलग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, यहाँ पे कॉमा करके लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लगाया कॉमा, से लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, देखो प्लस लगा के लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इधर ये जो है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज इनक्लोज्ड विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज होगा या डबल से इनक्लोज होगा, उसके साथ आप प्लस करके कोई स्ट्रिंग या कोई नंबर, कोई वेरिएबल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमने किया, सी में जो वैल्यू थी उसको ज्वाइन कर दी प्लस लगा करके। ये तो हमने समझा टाइप्स ऑफ जेएस में तीन तरीके की जेएस थी, इन लाइन बॉडी में कहीं भी लगा दो, इंटरनल हेड पार्ट में लगा दो, हेड पोर्शन में लगा दो, सबसे पहले लोड होता है, और एक्सटर्नल एक अलग फाइल बना करके लोड कर दो। दूसरी चीज़, हमने इसका फर्स्ट प्रोग्राम बना करके देखा ना, वो जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे लिखते हैं। देखो, एक तो कमेंट हमने लिख करके दिखा दिया आपको, ये जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए, नहीं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, बॉडी में नहीं, क्योंकि बॉडी में लिखोगे तो वो HTML वाला वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ये वाला तरीका, ये HTML का है। हमें क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लिखना है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर होती है, तो कमेंट लिखना है जावास्क्रिप्ट में, तो इसी के अंदर लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट होती है वो दो तरीके से होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है और एक मल्टी लाइन कमेंट होती है, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन का मतलब होता है एक लाइन की कमेंट। तो सबसे पहले कमेंट क्या होती है, मैंने बताया था कमेंट का मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट या डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखा रहे ताकि हम दोबारा कभी इस प्रोग्राम को देखें तो हमें समझ में आ जाए कि हमने ये मैटर क्यों लिखा था, ये कोड क्यों लिखा था, ये लॉजिक क्यों लगाया था, ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया था, ये फंक्शन क्यों यूज़ किया था। इतने बड़े प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, तो हम कमेंट में लिख देते हैं। तो कमेंट बेसिकली आउटपुट में नहीं आती है, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर या कंपाइलर उनको रीड नहीं करता। अगर हम डायरेक्टली लिख दें बिना कमेंट बनाए, तो ये एरर आएगी, देखो एरर की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको ये रीड करने की कोशिश करेगा, और ये जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में नहीं है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, तो ये तो कुछ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, इसलिए एरर आ जाती है। तो हम कमेंट बनाते हैं, तो कमेंट दो तरीके से बनाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट जो स्लैश लगा के बनती है, दो बार स्लैश लगा दो, और अगर मल्टी लाइन कमेंट है यानी बहुत बड़ी कमेंट है, तो आपको एक एक स्लैश लगाना है, एस्ट्रिक लगाना है, और जितनी कमेंट लिखनी है आप यहाँ पे लिख दो, एंड देन फाइनली स्टार लगाओ और फिर से स्लैश लगा दो, और बस ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट लगाओ, यहाँ पे जितनी भी लाइन की कमेंट है आप ये लगा सकते हो, इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, और ये सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम हटाते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट है स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट। तो देखो,
स्क्रिप्ट टैग तो आपने देख ही लिया, जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है आप स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। बट स्क्रिप्ट टैग का एक ऑल्टरनेटिव टैग भी होता है नो स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं नो स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर भी आप कुछ लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा जावा स्क्रिप्ट इज नॉट इनेबल्ड, गो टू सेटिंग्स, कुछ ऐसा मैसेज। अब देखिए ये क्या है एक्चुअल में, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी जाती है। अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है, चलेगी नहीं जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, यानी यूज़र को कैसे पता चलेगा आउटपुट में? देखो यहाँ पे 18 दिख रहा है, हमने यहाँ पे एक लाइन और लिख दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो अभी तो हमारा ये स्क्रिप्ट टैग चल रहा है, तो इस वजह से मैटर आ रहा है। जब स्क्रिप्ट टैग चलता है तो नो स्क्रिप्ट टैग नहीं चलता है, जब स्क्रिप्ट टैग नहीं चलेगा तब नो स्क्रिप्ट टैग चलेगा, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि भाई जावास्क्रिप्ट को किसी ने गलती से डिसेबल कर दिया है, उसको इनेबल करो सेटिंग में जाके, हम नो स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो कोई मैसेज ही नहीं आएगा आउटपुट में, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इनेबल्ड नहीं है ना? तो एक तरह का सजेशन है, एक हेल्प मिल जाती है इससे कि भाई ये नहीं चल रहा है, इसको किसी तरह से इनेबल करो। तो अब देखो इस चीज़ को मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाना एंड सेटिंग्स पे चले जाना, ठीक है, सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप चले जाना साइट सेटिंग, ठीक है। साइट सेटिंग में नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे मिलेगा जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में देखो साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसको किसी तरीके से डोंट अलाउ कर दें, किसी तरीके से क्या मतलब, यहाँ पे क्लिक कर दें तो डोंट अलाउ हो जाएगा। अगर ये डोंट अलाउ है तो देखो यहाँ से स्क्रिप्ट टैग हट जाएगा, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो हट गया, अब वो नो स्क्रिप्ट टैग का मैसेज आ रहा है। तो इससे देख के हमें पता चल जाएगा कि भाई जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है। अब सोचो अगर ये ना लगा होता तो हमें यहाँ पे कोई मैसेज ही नहीं मिलता, ये देखो फिर पता कैसे चलता कि इनेबल्ड नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव टैग है नो स्क्रिप्ट, जब स्क्रिप्ट नहीं चलती है तो नो स्क्रिप्ट चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको चल जाना चाहिए, देखो आ गया। अगर जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है तो जावास्क्रिप्ट चलेगा, फिर नो स्क्रिप्ट टैग नहीं चलेगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेर, कॉन्स्ट और लेट के बारे में डिफरेंसेस समझने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।